एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया। वह अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वह हाथी हमेशा दर्जी की दुकान में आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी के बजाय सुई चुबा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन उसकी सुरंग कचरे से भरी हुई थी और उसने अपनी सुरंग से कचरा दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। कचरा दर्जी के सारे कपड़े ख़राब हो गए। दर्जी सर पकड़ कर रोने लग गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।